नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। रीवा पुलिस को एक आज बड़ी कामयाबी मिली है। जी हाँ, 70 लाख रुपए का उन्होंने गांजा यहाँ पर पकड़ा है। गांजे की खेप सतना से आ रही थी, उसको सीधी जा रहा। रीवा आईजी को मुखबिर से खबर मिली थी कि गांजे की एक बड़ी खेप इस एरिया में आ रही है। तत्काल ही टीम बनाई गई, उस टीम को सक्रिय किया गया। सतना रीवा सीधी के बॉर्डर पर तीनों टीमों को सक्रिय किया गया। इसी दौरान पुलिस टीम को एक डस्टर आती हुई दिखी। पुलिस ने उस डस्टर को रोका। डस्टर में 4 गांजा तस्कर मौजूद थे और उसमें लगभग 1 क्विंटल के आसपास गांजा भी था। डस्टर को रोका गया, गांजे की बरामदगी हुई। उसी दौरान एक ट्रक भी आता हुआ दिखा, उसको भी रोका गया। ट्रक में नारियल लोड थी बाकायदा, उसके पास उसमें बिल्टी भी मौजूद थी। लेकिन मुखबिर की सूचना सटीक थी। मुखबिर ने बताया था नारियल के नीचे गांजा है। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें से उसको लगभग 6 क्विंटल गांजा मिला। इस तरीके से 7 क्विंटल के आसपास गांजा बरामद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 70 लाख रुपए आंकी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए रीवा SP राकेश कुमार सिंह ने पत्रकारों को क्या कुछ बताया, आइए आपको वो भी सुनवाता हूँ। नारकोटिक्स टीम को खबर लगी थी, उसी खबर के आधार पे एक मुखबिर जो है आया। मुखबिर ने थाना प्रभारी अमैया को बताया कि एक ऐसा वाहन आ रहा है सतना साइड से जिसमें एक ट्रक है और एक डस्टर गाड़ी है। डस्टर गाड़ी आगे आगे चल रही है, ट्रक पीछे है, और जिसमें गांजा आ रहा है। और जो गाड़ी का जो गांजे की पूरी तस्करी की टीम को लीड कर रहा है उसका नाम अनूप जायसवाल है। तो ये पूरी टीम जब सूचना मिली रात में, तो उसके बाद पूरी सभी जो हमारे दक्ष थाना प्रभारी, 3 थाना प्रभारियों की एक टीम बनाई गई, जिसमें थाना प्रभारी रायपुर, थाना प्रभारी बिछिया और थाना प्रभारी अमैया, ये पूरी टीम थी। और इनको अलग अलग सिचुएशन में जहाँ पे जिस जगह से इनको निकलते हुए गांजे को खेप लेके निकलना था वहाँ पे लगाया गया। वो जगह जो है सीधी रोड जो है, उस रोड पे एक पॉइंट विशेष पे अलग अलग जगहों पे टीम लग गई। और ये टीम लगी तो सबसे पहले उनको जो है डस्टर वाहन मिला। डस्टर वाहन को फिर इन्होंने रोका और अपने कब्जे में लिया। फिर थोड़ी देर बाद ये ट्रक आया, इन दोनों वाहन को लिया। तो जब डस्टर वाहन में देखा तो अनूप जायसवाल अपने 3 साथियों के साथ बैठा हुआ था। चारों जो है भदनपुर पहाड़ थाना बदेरा के निवासी थे। इसको जब गाड़ी को जब चेक किया तरीके से विधिवत इन लोगों ने चेक किया, टीम ने चेक किया, तो चेक करने पर इसमें 10 पैकेट, बड़े बड़े पैकेट गांजे के पाए गए, जिसमें करीब 120 किलो गांजा था। जब उसके बाद इसके आरोपियों को जब चेक किया गया तो इसमें जो है आदित्य कुमार जायसवाल गाड़ी को चला रहा था, उसमें एक गौरंग राणा नाम का व्यक्ति बैठा हुआ था। तो गौरंग जो है वो रहने वाला मूलतः मलकानगिरी उड़ीसा का है, वो उसमें बैठा था। उसके अलावा एक अन्य आरोपी उसमें बैठा था, कुल 3 आरोपी थे। और जब इसको चेक किया गया तो उन्होंने कहा इसमें तो नारियल भरा हुआ है, नारियल की बिल्टी दिखाया कि इसमें 330 बोरी नारियल भरा हुआ है। लेकिन बेसिकली इसमें नारियल नहीं भरा था। जो हमारे को सूचना मिली थी मुखबिर से कि नारियल की आड़ में अंदर आप चेक करेंगे तो आपको गांजा मिलेगा, इसको चेक किया गया तो 48 पैकेट गांजे के मिले, जिसमें कुल लगभग 566 केजी गांजा इसमें था। इस तरीके से कुल 686 किलो गांजा दोनों गाड़ियों से मिलाकर जब्त हुआ। और आरोपियों ने बड़ी चतुराई से ये बिल्टी बनाई थी नारियल की, लोड भी कराया था नारियल और कर रहे थे गांजे की तस्करी, उसको पुलिस ने पकड़ा। और जो मुखबिर से जो सूचना मिली थी, जो आईजी साहब का नेतृत्व था उसमें काफ़ी कुछ अपने को 100% सफलता मिली। पूरी टीम ने फिर थाने पर ला के कार्रवाई की और इसमें थाना प्रभारी अमैया, मृगन सिंह थाना प्रभारी रायपुर, बिछिया थाना प्रभारी हमारी CSP प्रतिभा शर्मा, और हमारे जो भी एडिशनल SP का कार्य देख रहे हैं शहर में विजय डावर जी का बहुत अच्छा रोल था। इन सभी लोगों ने मिलकर, सभी लोगों ने अपना कुशल नेतृत्व देते हुए इस पूरी चीज़ को जब्त किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक आरोपी जो हमें मलकानगिरी का पकड़ा गया है, वो पूरी सेटिंग वहाँ जमाता था मलकानगिरी से, वहाँ गांजे को कैसे ले जाना है, किस तरह ले आना है, और सारा पैसा उसी का काम था, वही वहाँ का सप्लायर वही है। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि हमको एक ऐसे सप्लायर को पकड़ने की जरूरत सफलता मिली जो मूलतः मलकानगिरी का ही रहने वाला था और जो इसी के साथ आ रहा था। इतने लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। इसमें और किनके क्या तार हो सकते हैं पकड़े जा रहे हैं, उनको भी तलाशा जा रहा है। लगभग कितने कीमत का गांजा है? ये लगभग 70 लाख का गांजा है
और इसके अलावा भी आपको बता दें कि एक और गांजा तस्कर जो अभी हमसे छूटा हुआ है उसकी भी तलाश चल रही है, लालमई जायसवाल की, जिसके ऊपर हमने 10,000 का इनाम घोषित कर दिया है। एक अन्य गांजा तस्कर पुष्पेंद्र जायसवाल, जिसके ऊपर हमने 10,000 का इनाम घोषित किया गया। दोनों आरोपियों पर हम इनाम की राशि बढ़वा रहे हैं ताकि इनको भी पकड़ा जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।